पहले हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी आई थी, और अब इसके बाद हिटमैन की पत्नी की बॉडीगार्ड मतलब हिटमैन्स वाइफ बॉडीगार्ड ये मूवी आ रही है, और इसके बाद शायद हिटमैन्स के बच्चों के बॉडीगार्ड के शायद ऊपर मूवी आ सकती है। मतलब शायद ये चीज़ें लंबी चल सकती हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऑफेंड मत हो जाना। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा हिटमैन्स वाइफ्स बॉडीगार्ड मूवी ट्रेलर के बारे में। हिटमैन्स वाइफ्स काफी लंबा अजीब सा एपोस्ट्रोफी लगा के लगा रखा है। अगर आपने हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देखो, काफी ज्यादा अच्छी मूवी है। मतलब हिटमैन्स बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा हिट हुई थी जो 2017 में आई थी, और बेशक क्यों ना हिट हो, इसके अंदर डेडपुल भैया जो थे, डेडपुल भैया जहां होते हैं वहां तो यार कॉमेडी का तड़का और एक्शन दोनों ही भरपूर होते हैं। और हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी हिट होने के बाद, मतलब हिटमैन मूवी जो है वो हिट हुई थी, हिट हुई थी, क्या बकवास चौक है। तो ये हिट हुई तो इसीलिए लेकर आ रहे हैं हिटमैन्स वाइफ बॉडीगार्ड मूवी को। तो अब बात कर लेते हैं हिटमैन की पत्नी के बॉडीगार्ड मूवी के ट्रेलर के बारे में, जिसमें जो कहानी दिखाई गई है कि इसमें डेडपुल भैया को कहा जाता है कि आप ना लड़ाई झगड़े से दूर रहा करो, आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। तो डेडपुल भैया अपने समुद्र किनारे आराम से संगीत सुनते हुए पहुंच जाते हैं, वहां आराम से गाने गुने चल रहे हैं, आराम से किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन वॉयलेंस को थोड़ा कहा गया है कि आप डेडपुल भैया से दूर रहो। वो तो पहुंच जाता है हिटमैन की वाइफ के रूप में उनके सामने, और जैसे ही इनकी एंट्री होती है फिर एक के बाद एक्शन आने स्टार्ट होते हैं। और डेडपुल भैया ना चाहते हुए भी, क्योंकि उनको कहा गया था आप लड़ाई से दूर रहना, बट ना चाहते हुए भी मोहतरमा की सुरक्षा के लिए वो भी लड़ाई में कूद जाते हैं। और मेन इंग्रेडिएंट तो कैसे भूल गए, साथ में कॉमेडी का भी तड़का इसमें लगता है। बढ़िया डायलॉग है, बढ़िया एक्शन है, बढ़िया कॉमेडी है, बढ़िया सीन है, मतलब काफी अच्छी मुझे ये ट्रेलर लगा। एटलीस्ट ये ट्रेलर ये बताने में कामयाब हो जाता है कि जो मूवी है वो काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। मुझे इस तरीके की मूवी इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि जब इसमें जब भी मूवी खत्म होती है, थिएटर से जब बाहर निकलते हैं तो एक स्माइल होती है, पूरी मूवी के दौरान ही स्माइल रहती है, क्योंकि इसके अंदर कॉमेडी प्लस एक्शन का तड़का हमें देखने को मिल जाता है। और अगर आप लोगों ने हिटमैन्स बॉडीगार्ड मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को वो मूवी कैसी लगी, और आप इस ट्रेलर के बारे में क्या सोचते हैं, तो इसके बारे में दो चार लाइनें लिख देना है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।